नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में टिड्डी दल को लेकर के जिला उपायुक्त ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के डब वाले इलाके में दल की मौजूदगी के बाद हरकत में आया प्रशासन। जी पर जिला उपायुक्त का कहना है कि पंचायतों को भी किया जा रहा है जागरूक। जैसे ही इलाके में आए टिड्डी दल गाँव की पंचायतें बजाने लगे ढोल व धुएं का सहारा ले भी ले। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में टिड्डी दल को लेकर के जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला उपायुक्त के द्वारा इसको लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों को भी रणनीति बनाने के लिए भी कहा है। प्रशासन का कहना है कि जब से हरियाणा के डबाली इलाके में टिड्डी दल ने दस्तक दी है, उसके बाद इसको लेकर के पंचायतों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पंचायतों को आदेश दिए हैं कि जैसे ही टिड्डी दल के हमले की आशंका नजर आए, ढोल और नगाड़ों के साथ इसका सहारा लें और ढोल बजाने लगें। गांव में धुआं करके टिड्डी दल से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन भी किया गया है। जिला उपायुक्त ने बताया कि डबाली में टिड्डी दल की दस्तक के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और पंचायतों को भी अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ग्राम पंचायतों को इस बारे में सतर्क कर रही है। यदि फतेहाबाद जिले के भी किसी हिस्से में टिड्डी दल आता है तो उसके आने से पहले ही जो ढोल नगाड़े बजाए जाएं, जिससे वो उनकी आवाज़ों से भाग जाते हैं, या फिर धुआं किया जाता है तो धुएं की उनको थोड़ी दूर से पता चल जाता है उसका, तो उससे वो उस इलाके में नहीं आते हैं। और यदि फिर भी आ ही गए तो फिर वो जो भी और एक्सट्रीम मेजर्स हैं, कीटनाशक अगर छिड़कने का, वो भी उस पर भी विचार किया जाएगा। ये हमारी फसलों को बहुत भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये लाखों की संख्या में छोटे छोटे जीव हैं और कुछ एक ऐसे बड़े जीव भी हैं जो इनको खाते हैं टिड्डी को, तो उनको भी राजस्थान में इससे पता चला है कि वो वहाँ पे उनको लाया जा रहा है जिससे वो टिड्डियों को भगा सके, तो यहाँ भी उसका प्रयास किया जाएगा। एग्रीकल्चर विभाग लगा हुआ है इसमें। तो ये कहाँ से शुरू हुआ सर? ये पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान उस ईस्ट ये वेस्ट इलाके से आता है, तो वहाँ से पंजाब राजस्थान होते हुए अभी इस साइड भी उसकी दस्तक हो रही है। हाँ, अभी 3-4 दिन से ही पता चला है कि डबाली तक पहुँच गया इवन, तो इसलिए सतर्क है। थोड़े नीचे निचले हिस्से थे गांव के, जहाँ पानी भर जाता था,